हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास संस्कृत, क्लास 6 पार्ट 3 संस्कृत शब्द परिचय 2 वीडियो 5। इसमें अपन पढ़ेंगे शब्द परिचय। इस पार्ट में हम आकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का अभ्यास करेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम। ये आप फोटो में देख रहे हैं, एक वचनम में बालिका, द्विवचनम बालिके, बहुवचनम बालिकः। ऐसे ही अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकः। चटका, चटके, चटकः। कलिका, कलिके, कलिकाः। नेक्स्ट ये देखेंगे, इसके शब्दार्थ हैं। अम्बा मीन्स माता, इष्टिका ईंट, जवनिका पर्दा, पितृव्या चाची, नासिका नाक, पांचालिका गुड़िया, पाकशाला रसोई घर, परीक्षा परीक्षा का परीक्षा, प्रयोगशाला प्रयोगशाला, ग्रीवा गर्दन, शर्करा चीनी, अनुजा छोटी बहन, कपाटिका अलमारी, द्विचक्रिका साइकिल, वाटिका बगीचा, मुद्रिका अंगूठी। इसके बाद देखेंगे हम कुछ अन्य इकारांत स्त्रीलिंग शब्द तीनों वचनों में इस प्रकार है, जैसे कि घटी, घट्यौ, घट्यः, नदी, नद्यौ, नद्यः, सखी, सख्यौ, सख्यः, अंगुली, अंगुल्यो, अंगुल्यः, नर्तकी, नर्तक्यो, नर्तक्यः, गृहिणी, गृहिण्यो, गृहिण्या। इसके बाद फिर शब्दार्थ है, जननी माता, मार्जारी बिल्ली, द्रोणी बाल्टी, प्रदर्शनी प्रदर्शनी, सम्मार्जनी झाड़ू, करकटी ककड़ी, चालनी छाननी, मातुलानी मामी, मशी स्याही, वर्णलेखनी स्केच पेन, नारी महिला, नगरी नगर, रंगबल्ली रंगोली, बेलनी बेलन, आकाशवाणी आकाशवाणी, सिंही शेरनी, देवी देवी, पुनःपूर्णी रिफिल। इसके बाद ये देखेंगे, निम्नलिखित पदानाम लिंगानुसारण विभाजनम करूत। ये जो ऊपर शब्द दिए हैं, इनको जो वचन के अकॉर्डिंग इनको विभाजित करना है। जैसे इसमें से पुल्लिंग शब्द क्या है, पुत्रौ, अध्यापकः, पुस्तकालयः, भल्लुकः। स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंगम, पाठशाला, नर्तकी, लता, नार्यौ। नपुंसकलिंगम क्या है, कंगनानि, पात्रे, भवनी, युतकम। नंबर 3 क्वेश्चन है, जैसे कि जननी का क्या होता है, माता। ऐसे ही एक मक्खी क्या है, मक्षिका। एक रानी, रागी। एक शेरनी, सिंही। दो सखियां, संख्यो। दो बालिकाएं, बालिके। दो कहानियां, कथे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखितानाम पदानाम अर्थम हिंदी भाषायाम लिखत। नीचे लिखे शब्दों के हिंदी भाषा में लिखना है। जैसे कि नंबर का है, छुरी के दो छुरी। नंबर धरा, नंबर खा धरा पृथ्वी। नंबर 3 कर्तरी एक कैची। नंबर घा अपकरी कहा अनेक कूड़ादान। नंबर अणा मापी कहा अनेक पैमाने। नंबर 4 सेविका एक नौकरानी। इसके बाद है, वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचनों के अनुसार क्या करना है, इनको पूर्ति करनी है। जो यहाँ पे वचन लिखे हैं और जो यहाँ पे कुछ गैप है, वहाँ जो वचन पूछा जा रहा है उसको अपन को लिखना है। जैसे नंबर 1 है सिक्त वर्तिका, इसका हो जाएगा द्विवचन, सिक्त वर्तिके, सिक्त वर्तिकाः। नंबर का भगिनी, भगिन्यो, भगिन्याः। नंबर का माला, माले, मालाः। नंबर का नारी, नार्यौ, नार्यः। नंबर अणा शाखा, शाखे, शाखाः। नंबर 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदानाम वचनानुसारेण विभाजनम कुरुत। इनमें भी वचनों के अनुसार विभाजित करना है। एक वचन क्या क्या है, अंकनी, ग्रीवा, मुद्रिका।
द्विवचनम मंजुसे पुत्र्यौ लेखन्यौ बहुवचनम मार्जन्यः घट्यः अजः। स्टूडेंट्स, यह चैप्टर आपको समझ में आया। आपको फिर नोटबुक में शब्दार्थ लिखने हैं। इसकी जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज कराई है वो नोटबुक में करना है, फिर नोटबुक में इसको लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी। गुड बाय।